मुख्यमंत्री गहलोत से मिले पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, सीएम आवास पर हुई दोनों की शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा राजनीतिक परिदृश्य पर किया गहन संवाद, विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी हुई चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सांवलिया सेठ के किए दर्शन, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, कई मंत्री और राज्य नेताओं ने राजघाट विजयघाट जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्रियों ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी और विजयघाट पहुंचकर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की 154वीं और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी और विजयघाट पहुंचकर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन, सचिवालय और गांधी सर्कल पर श्रद्धांजलि सभा में की शिरकत, सरकार के मंत्री और आला अफसर रहे उपस्थित। जोधपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 से अधिक अवैध गैस सिलेंडर बरामद, अवैध रिफिलिंग के उद्देश्य से चल रहे कारोबार का किया पर्दाफाश। स्पेन के नाइट क्लब में भीषण आग, 13 लोगों की मौत, छत भी गिरी, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। बूंदी के तालेड़ा बाईपास पहुंचे बीएसएफ के शहीद हवलदार सीताराम बैरवा की पार्थिव देह, अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। अकतासा में तालेड़ा से होते हुए पैतृगाम जा रही जवान की अंतिम यात्रा, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। एशियाड में भारत का दमदार प्रदर्शन, भारतीय खिलाड़ियों का शानदार खेल, 13 गोल्ड, 21 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज, 56 मेडल के साथ चौथे स्थान पर भारत। स्पेन के नाइट क्लब में लगी भीषण आग, अग्निकांड में 13 लोगों की मौत, छत भी गिरी, कई लोग दबे, दमकल कर्मियों ने किया आग पर नियंत्रण, जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे सभी मृतक। यूपी के देवरिया में खूनी संघर्ष, बदला लेने के लिए परिवार की हत्या, फायरिंग से पूरा इलाका दहला, 6 लोगों की मौत से दहशत, गांव में तनाव, पुलिस तैनात, फतेहपुर गांव की घटना। डीडवाना जिले के डसाना गांव के नजदीक रात को एक बोलेरो कैंपर गाड़ी को लूटने का मामला सामने आया, बदमाशों ने पहले कार को बोलेरो कैंपर के आगे लगाकर गाड़ी रुकवाई, फिर चालक से मारपीट कर बीच रास्ते में पटक गए, उसकी बोलेरो कैंपर को लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बदमाशों की तलाश शुरू की। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज की ओर से रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, शहर के जूना मंदिर से परमात्मा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए, रथ यात्रा में शामिल युवक युवतियां भक्ति धुनों पर नृत्य करते नजर आए। गांधी जयंती के मौके पर प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन की ओर से सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग ने बड़ी संख्या में धावकों के साथ भाग लिया। दौड़ को अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिसांगन के ऐतिहासिक केशवलाव तालाब को मॉडल तालाब की श्रेणी में लेने के बाद सरकार ने दो फेज में 90 लाख से ज्यादा की राशि सौंदर्यीकरण के खर्च करने और तालाब क्षेत्र घूमने का स्थल बनाया, तो वहीं गत कुछ महीने से अनदेखी के चलते तालाब क्षेत्र के हालात खराब हो गए, लोग तालाब क्षेत्र को कूड़ादान बनाते हुए इसमें कचरा डालने लगे और गंदगी का आलम पसरने लगा। अनदेखी के चलते तालाब क्षेत्र में गंदगी का आलम पसर रहा है, जिससे स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रतापगढ़ को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन प्रतापगढ़ में किया गया। इसी के तहत जिला चिकित्सालय में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित किए गए इस अभियान में बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए। सिरोही के अबरोड पर गांधी जयंती के अवसर पर देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में माउंट आबू के नक्की झील के किनारे पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा की गई दांडी यात्रा की प्रतिमाओं का आज विधिवत लोकार्पण समारोह भी आयोजित किया गया। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर झुंझुनू में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती स्टेडियम एक सद्भावना दौड़ का आयोजन, जिसे कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सैनिक कल्याण निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार राजसमंद जिले के भीम कस्बे में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सेवानिवृत्त सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुरेश कुमार जांगेर ने उपस्थित कर्मचारी, रिफेक्सको स्टाफ और पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों के साथ आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाई। प्रतापगढ़ में शांति व अहिंसा विभाग तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से गांधी चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे के नारे लगाए। बूंदी के केशवराय पाटन में खेत से पैदल लौट रही
आधा दर्जन महिला मजदूरों सहित बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल करीब चार महिलाओं को कोटा एमबीएस उपचार के लिए पहुंचाया गया। घायलों में एक महिला की स्थिति गंभीर है। सिरोही फोरलेन हाईवे पर अज्ञात वाहन ने जरख को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जरख की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी, जिस पर वन विभाग की टीम ने जरख के शव को गाड़ी में डालकर शव को बारीघाट स्थित नर्सरी में रखवाया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत सिरोही जिले में एक नए पुलिस थाने का शुभारंभ हुआ। अब तक बड़लूर थाना क्षेत्र के अधीन कार्य करने वाले कैलाशनगर पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बना दिया गया। आज नवसृजित कैलाशनगर पुलिस थाने का विधिवत शुभारंभ हुआ। सिरोही विधायक सीएम लोठा ने फीता काटकर थाने का उद्घाटन किया। जोधपुर में वायुसेना परिवार कल्याण संगठन से जुड़ी महिलाओं ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का संदेश दिया। वायुसेना परिवार से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहले जोधपुर के मेहरानगढ़ के पास योग का आयोजन किया। उसके बाद हेरिटेज वॉक करते हुए महिलाएं जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर पहुंची। यहां पर हाथों में झाड़ू लेकर पहले फिर उसके बाद श्रमदान किया।